हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मोहम्मद जमीर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन लास्ट वीडियो वी सा द पोएम ट्रुथ, इट्स ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑन पेज नंबर 66 एंड टुडे वी विल प्रोसीड टू इट्स इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चन आंसर ऑन पेज नंबर 67। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 67 पे ट्रुथ इस पोएम के क्वेश्चन आंसर या इंग्लिश वर्कशॉप देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, रीड द पोएम अलाउड एंड रिसाइट इट विथ प्रॉपर रिदम। पोएम को अलाउड और जो है अच्छे रिदम के साथ पढ़ना है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड फ्रॉम द पोएम टू लाइंस ईच दैट कंटेन्स द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच। पोएम में से दो दो लाइन ढूंढना है जिसमें नीचे दिए गए फिगर ऑफ स्पीच है। पहला है अलिटरेशन, अलिटरेशन के दो लाइन्स हमने लिखे हैं। स्टिक एंड स्टोन्स मे ब्रेक माई बोन्स, इसमें एस का साउंड जो है वो रिपीट हुआ है। और बैट्स एंड ब्रिक्स में एग थ्रो बोन्स, इसमें बैट्स और ब्रिक बी का साउंड रिपीट हुआ है, इसलिए अलिटरेशन का इस दो लाइन में यूज़ हुआ है। रिपीटेशन, स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माय बोन्स, स्टोन्स एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन, इसमें स्टिक्स ये वर्ड और स्टोन्स ये वर्ड जो है रिपीट हुए हैं। ये रिपीटेशन यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। पिक आउट फ्रॉम द पोएम द सिनोनिम्स ऑफ, नीचे जो वर्ड्स है उसके सेम मीनिंग वाले वर्ड्स दूसरे आपको ढूंढना है। इंजरी के लिए ब्रूज ये वर्ड आया है, डेलिकेट के लिए टेंडर, एग के लिए स्कार, एम्ब्रेस के लिए मॉर्टिफाई और क्योर्ड के लिए हील्ड ये वर्ड्स आए हुए हैं। पोएम में आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, पिक आउट फ्रॉम द पोएम द एंटोनिम्स ऑफ, ये इनके उलट जिद अल्फाज हमको जो है वो विरुद्धार्थी शब्द देखना है। फॉरगेट का रिमेंबर, फ्लैट या स्ट्रेट का कर्व्ड, मेक का ब्रेक, राइस का फॉल, आउटसाइड का इनसाइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आंसर इन योर ओन वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द पोएम, पोएम की हेल्प से अपने खुद के वर्ड्स में आंसर दीजिए। राइट देम इन योर नोटबुक, और उनको अपने नोटबुक में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए है, व्हाट ऑब्जेक्ट्स कैन कॉज इंजरी टू योर बॉडी, आपके बॉडी को किन चीज़ों से मार लग सकता है। आंसर है स्टिक्स एंड स्टोन्स कैन कॉज इंजरी टू आवर बॉडी, स्टिक्स और स्टोन्स से। नंबर 2, हाउ डू हार्श एंड बिटर वर्ड्स हर्ट द पोएट, हार्श या कड़वे अल्फाज पोएट को कैसे हर्ट करते हैं। आंसर है हार्श एंड बिटर वर्ड्स हर्ट द पोएट्स फीलिंग्स, ये पोएट के फीलिंग को जो है हर्ट करते हैं। नंबर 3, व्हाट कैन हील फास्टर बॉडी और माइंड और द माइंड एंड हार्ट इमोशंस, कौन सा जख्म जल्दी भरता है, बॉडी का जख्म या दिमाग और दिल पे लगा हुआ या इमोशंस को लगा हुआ जो जख्म होता है उसमें से कौन सा जल्दी भरता है। एक्सप्लेन योर चॉइस, अपनी चॉइस को एक्सप्लेन भी करना है आपको। आंसर है बॉडी कैन हील फास्टर, बॉडी तेज़ी से हील हो सकती है, बॉडी का जख्म जल्दी भरता है, बट वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर इफ आवर इमोशंस और फीलिंग्स आर हर्ट, लेकिन अगर हमारे इमोशन या फीलिंग को कोई हर्ट करता है तो उससे ओवरकम होने के लिए, उससे उभरने के लिए हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नंबर 3, व्हाई आर हार्श वर्ड्स कॉल्ड घोस्ट, हार्श वर्ड्स को घोस्ट क्यों कहा गया है, बुरे वर्ड्स को वो घोस्ट क्यों कहा गया है, शैतान क्यों कहा गया है। आंसर बिकॉज दे डिस्टर्ब आवर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये हमारे दिमाग पे या दिल पे बहुत दिनों तक इसका असर होता है, इसलिए उनको घोस्ट कहा गया है। नंबर 4, व्हाट डज द पोएट वॉन्ट यू टू कीप इन माइंड व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलते हैं तब आपको क्या ध्यान में रखने के लिए पोएट कह रहा है। आंसर पोएट वांट्स अस टू कीप इन माइंड काइंड वर्ड्स व्हाइल स्पीकिंग, पोएट कहते हैं कि जब हम बात करते हैं तब काइंड वर्ड्स, नरमी वाले वर्ड्स हमको ध्यान में दिमाग में अपने रखना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रिदम स्कीम ऑफ द स्टैंजा नंबर 2 एंड 3, वन इज डन फॉर यू। रिदम स्कीम स्टैंजा 1 में हमने देखे ABCB है, स्टैंजा 2 में भी
ए बी सी बी स्टांजा थ्री में भी ए बी सी बी रिदम ऑफ स्कीम है, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, जस्ट एज वर्ड्स कैन हर्ट एंड लीव अ स्कार ऑन द माइंड एंड हर्ट, वर्ड्स कैन ऑल्सो हील अ पर्सन इन डिस्ट्रेस। जैसे वर्ड्स और वर्ड जो है वो इंसान को हर्ट कर सकते हैं और उसका जो ज़ख्म है वो हमारे दिल दिमाग पे बहुत वक्त तक हो सकता है, लेकिन वर्ड्स जो है इंसान का ज़ख्म भर भी सकते हैं। ऐसे किसी अगर कोई पर्सन जो है कोई डिस्ट्रेस है या किसी को जो है कोई प्रॉब्लम है, कोई दुख में है, उसको जो है वर्ड्स से हम सपोर्ट कर सकते हैं। राइट इन योर नोटबुक एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन विच प्रूव दैट काइंड वर्ड्स रिलीव डिस्ट्रेस। एक ऐसी कहानी लिखिए अपने बुक में, नोटबुक में, जिससे ये साबित हो कि अच्छे वर्ड्स, हिम्मत दिलाने वाले वर्ड्स अगर किसी को कहे जाएं तो किसी की जो है मुश्किल दूर भी हो सकती है, उसको डिस्ट्रेस से बाहर निकलने में मदद मिलती है। तो यहाँ एक कहानी मैंने लिखा है, When I was in standard 9th, I was weak in English and mathematics subject. जब मैं 9th क्लास में था, मैं इंग्लिश और मैथ्स में वीक था, because my school was changed and the pattern of teaching of the new teacher was different. क्योंकि मेरा स्कूल चेंज हो गया था और जो पढ़ाने का पैटर्न था नए टीचर का वो बिल्कुल अलग था। Then I got failed in the first term examination of 9th standard in two subjects, English and Maths. उसके बाद first term exam जो 9th का हुआ उसमें मैं दो subject में Maths और English में fail हो गया। I was very disappointed, मैं बहुत disappointed हो गया। Then my father provoked me with kind words and supported me a lot. उसके बाद फिर मेरे father ने kind words से मुझे provoke किए, मेरी बहुत help किए, मुझे बहुत समझाए। I started to study harder and I was improving. उसके बाद मैंने और ज़्यादा स्टडी करना शुरू किया और मुझे इम्प्रूवमेंट मिलने लगा। I started to give answers of the teachers in the class. उसके बाद मैं क्लास में टीचर के क्वेश्चंस के जवाब देने लगा। My homework was improved. मेरा होमवर्क भी इम्प्रूव हुआ। After seeing this contraction, teachers also started to give special attention to me. जब ये टीचर्स ने देखे कि मुझ में बहुत चेंज आ रहा है तो टीचर ने भी और ज़्यादा मुझ पर अटेंशन देने लगे। The kind words of my father, my hard work and care of my teachers which made me to overcome my problems. उसके बाद जो मेरे फादर के जो वर्ड्स थे, kind words, और मेरी मेहनत और मेरे टीचर्स की जो मदद थी उससे मैं अपने प्रॉब्लम से बाहर आया। द नेक्स्ट ईयर इन द एसएससी बोर्ड आई बिकेम द स्कूल टॉपर इन इंग्लिश एंड मैथ्स। उसके बाद नेक्स्ट ईयर एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम्स में मैं अपने स्कूल का इंग्लिश और मैथ्स का टॉपर बन गया। तो ये कहानी मैंने लिखा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, आप भी ये लिख सकते हैं या चेंज करके अपने दिल से भी लिख सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग, नीचे दिए गए कंप्लीट करो। द टाइटल ऑफ द पोएम, पोएम का टाइटल क्या है? ट्रूथ। द पोएट ऑफ द पोएम, बैरी वेड। थीम ऑफ द पोएम, वी शुड नॉट यूज बैड वर्ड्स व्हाइल स्पीकिंग। नंबर ऑफ स्टांजास 3। राइम स्कीम, ए बी सी बी, फिगर ऑफ स्पीच, अलिटरेशन एंड रिपीटिशन, द लाइन आई लाइक्ड, कट्स एंड ब्रूजेस नाउ हैव हील्ड, इट्स वर्ड्स दैट आई रिमेंबर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में समरी लिखना है हमको। समराइज द पोएम इन शॉर्ट इन योर ओन वर्ड्स। पोएम को अपने ओन वर्ड्स में आपको समरी जो है यहाँ पे लिखना है। कंसिडर दीज पॉइंट्स टू समराइज द पोएम। पोएम की समरी लिखने के लिए ये पॉइंट्स ध्यान में रखिए। आइडेंटिफाई हु द स्पीकर इज एंड हु द पोएम इज एड्रेस्ड टू। आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट्स इन एवरी स्टांजा। एक्सप्रेस देम इन शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। Explain implied meaning. Retain the order of points. Write down the points, making short paragraph for each stanza. Conclude the summary with the overall theme and meaning of the poem. तो यहाँ पर मैंने summary लिख दिया है ऊपर के points की मदद से। आप भी जो है देख के इसको लिख सकते हैं अच्छे से। चलिए मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ।
summary of the poem. The speaker of the poem Truth is Barry Wade. इस poem के जो poet है वो है Barry Wade. Poem का नाम है Truth. In the first stanza, the poet says that not only the sticks and stones but also words hurt him. पहले stanza में poet कहते हैं कि सिर्फ पत्थर या जो लकड़ियाँ हैं, लाठियाँ हैं, उससे ही जख्म नहीं होते, बल्कि वर्ड से भी, शब्दों से भी, अल्फाज से भी उनको जो है वो हर्ट होते हैं. स्टोन एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन बट वर्ड्स हर्ट फीलिंग्स. स्टोन और स्टिक जो होते हैं उससे सिर्फ स्किन या बॉडी पे ज़ख्म होते हैं, लेकिन जो बैड वर्ड्स है वो क्या करते हैं, फीलिंग्स को हर्ट करते हैं. In the second stanza, the poet says that words are like swords that pierce inside this his body. Second stanza में poet कहते हैं कि जो words है वो sword के जैसे, तलवार के जैसे होते हैं, जो pierce inside his body, जो body में तलवार के जैसे धंस जाते हैं. Bats and bricks can give you pain, but words can make you feel ashamed. Bats और bricks से अगर मारे जाए तो आपको क्या होता है, दर्द होगा, तकलीफ़ होगी, लेकिन वर्ड्स जो है आपको शर्मिंदा कर देते हैं, अशेम्ड कर देते हैं. इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट सेज दैट द पेन ऑफ वर्ड्स इज कार्व्ड इन हिज माइंड एंड टेंडर हार्ट. थर्ड स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि जो वर्ड्स से, बैड वर्ड्स से जो तकलीफ़ हुई है, उसके जो ज़ख्म है वो पोएट के दिमाग में और दिल में क्या हो गए हैं, तराश दिए गए हैं, कार्व्ड हो गए हैं. हिज कट्स एंड ब्रूजेस हैव हील्ड नाउ बट वर्ड डिडंट वैनिश फ्रॉम हिज मेमोरीज. उनके ज़ख्म जो है बॉडी के वो भर गए हैं, लेकिन उनके दिमाग में जो मेमोरीज है, जो यादें हैं, वो अभी तक नहीं गई है. तो ये हो गए तीन स्टांजा. सो वी शुड यूज़ वर्ड्स केयरफुली व्हाइल स्पीकिंग. तो पोएट का जो थीम है, इसके जो मेन मकसद है, वो कहते हैं कि हम जब बात करते हैं तब हम अपने वर्ड्स का चुनाव बहुत ध्यान से करें. एंड वी शुड नॉट हर्ट एनीवनस फीलिंग विथ आवर वर्ड्स. और हमको अपने वर्ड्स से किसी के भी फीलिंग्स को जो है हर्ट नहीं करना चाहिए. होपफुली आपको ये समझ आएंगे क्वेश्चन का आंसर. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.